मेजबान मोहम्मद असलम कोखर इंफो स्टोरेज के साथ, और आज है 27 फरवरी 2021। जी जनाब, 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से हमारे दुश्मन मुल्क भारत में एक ऑपरेशन किया गया था जिसका नाम था स्विफ्ट रिटॉर्ट, और पाकिस्तान ने उस दिन जवाब दिया था भारत को, और ये कहा था कि किस तरह जो भारत गिदड़ भपके लगा रहा था कि हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे पाकिस्तान को, और पता नहीं उनके मीडिया जो है वो क्या क्या दिखाता है, जाकर हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने तबाही कर दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। लेकिन आज हम पाकिस्तानी और पाक फौज और पाकिस्तान एयरफोर्स आज मना रही है सरप्राइज डे। जनाब, हमने सरप्राइज दिया था। पहले यहाँ मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा जो कि भारत से है, मेजर सुरिंद्रा पोनिया है, उनका ट्वीट है, पहले वो ट्वीट देखें फिर इसको बात करते हैं। जनाब, इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वी कंकर्ड, वी बिल्डोज टेरर हब, और फिर उन्होंने ये लिखा कि हम फतह याब हुए, हमने जो दहशतगर्दी की माजगा थी उसको तबाह कर दिया, और फिर पाकिस्तानी जो हैं वो बालाकोट में 45 दिन तक, साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो मलबा उठाता रहा। हजूर, बिल्कुल ऐसे ही था, बहुत बड़ा अटैक किया था आपने, अल्लाह की पनाह। हमारे 5 से 10 दरख्त वाक्य टूटे थे, उनकी टहनियाँ भी टूटी थी, और एक सुनहा एक गाय भी है, गाय का भी नुकसान हुआ था, और इसका मलबा उठाने में तो वाक्य आप तो थोड़े दिन कह रहे हैं, 45 दिन में ज़्यादा लगे होंगे, क्या याद है आपको? जनाब, आज सरप्राइज डे, स्विफ्ट रिटॉर्ट, पाकिस्तान का फखर जब पाकिस्तान ने घुसकर मारा था और 6 उनके ऐसे पॉइंट्स को लॉक किया था, और फिर वहां पे जाके पाकिस्तान ने हमला किया, फिर उनका एक अभिनंदन बड़ी ऊंचू वाला पीछे आया, तो फिर उसके साथ क्या हुआ वो भी आज आपको हम उसकी वीडियो दिखाएंगे। And I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers. And thereafter, the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as. And I am very impressed by the Pakistani army. Oh, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. Okay, thank you. पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से एक नई वीडियो रिलीज कर दी गई है। टीज फैंटास्टिक के बाद अभिनंदन साहब जो विंग कमांडर थे भारत की जो एयरफोर्स है वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको वीडियो है उसमें अभी दिखाते हैं कि साहब आज क्या फरमा रहे हैं। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है, मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा तो मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था, मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको
इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। वीडियो आपने देखी जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।